नमस्कार, डी जाने विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर वास्तुविद प्रयास मंगल। आप मूलतः शिवपुरी के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इन दिनों वो इंदौर में काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, लोगों को वास्तु टिप्स दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और उनकी वास्तु टिप्स लेकर वास्तु प्रयोग अपनाकर लोग काफ़ी समृद्ध और संपन्न भी होते जा रहे हैं। प्रयास मंगल साफ तौर पर कहते हैं कि बगैर तोड़फोड़ के भी वास्तु को सुधारा जा सकता है। अगर आपका दक्षिण मुखी घर है तो भी उसे सुधारा जा सकता है। और प्रयास मंगल का यह भी कहना है कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिससे भाग्य भी बदला जा सकता है। प्रयास जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है, हालांकि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में इस बात को लेकर डिफरेंस है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में दक्षिणमुखी दुकान, दक्षिणमुखी घर नहीं लिया जाता है, जबकि साउथ में तो दक्षिणमुखी मकान को और दुकान को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो दक्षिणमुखी जो आवास होते हैं या दुकान होते हैं उन्हें अशुभ क्यों माना जाता है? दक्षिणमुखी घर के जो नियम होते हैं उनमें वास्तु के नियमों का बहुत भलीभांति ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तु में दक्षिणमुखी जितने भी घर होते हैं उनमें विशेषता वास्तु के पूरे नियमों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आज आप दक्षिणमुखी मकान लेते हैं तब उसमें या तो आपका मुख्य दरवाज़ा अग्निकोण में आएगा या नैऋत्य कोण में आएगा। अग्निकोण में मुख्य दरवाज़ा आएगा तो उसका तल फर्श का तल नीचा हो जाएगा, जिसकी वजह से ईशान कोण ऊंचा हो जाएगा, तो यह अपने आप में एक दोष पैदा कर देता है। दूसरी बात, अगर आपने दक्षिण पश्चिम के कोण में मुख्य दरवाज़ा खोल दिया तब वह हिस्सा नीचा हो जाएगा, जो कि महादोष की उत्पत्ति में माना जाता है। तो दक्षिणमुखी मकान में वास्तु के पूरे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ अगर दक्षिण में आप मकान ले रहे हैं, दक्षिण की कोई दुकान खोल रहे हैं, तब आपको उसमें चौथे नंबर का दरवाज़ा जो होता है दक्षिण का S4 दरवाज़ा, उसको ही खोलना पड़ता है। और जिस घर में वह दरवाज़ा खुला होता है उस घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। बात करें कि आए बहुत सारे व्यापारी हैं और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके घर देखे जाते हैं, सब साउथ फेसिंग में होते हैं, उसके बाद भी वह समृद्धशाली होते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। ये भ्रांतियाँ जो बन गई हैं कि दक्षिणमुखी घर अशुभ होता है, यह सब गलत है। लेकिन अगर वास्तु के नियमों का सही तरह से पालन किया जाए तो दक्षिणमुखी घर भी शुभ हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दक्षिण भारत में तो दक्षिणमुखी घर को शुभ माना जाता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अक्सर ही आता रहता है कि आप जब किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ होती हैं, और वो नकारात्मक शक्तियाँ, जैसा कि आप कहते हैं, हम तो जानते नहीं, लेकिन आप ही कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आपका घर बिगाड़ रही हैं, आपके योग बिगाड़ रही हैं, आपकी संभावनाएँ बिगाड़ रही हैं, आपका भविष्य और भाग्य बिगाड़ रही हैं। तो वो नकारात्मक शक्तियाँ जब आप काम करने गए और यहाँ नकारात्मक शक्ति है, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ आप पर भी तो प्रभाव डालती होंगी, आपको भी तो रोकती होंगी, तो आप उनसे कैसे निपटते हैं? जी हाँ, जब किसी भी जगह पर हम जाते हैं, चाहे वह भूमि हो, किसी का व्यापार हो, किसी का घर हो या कोई भी गोदाम हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो सबसे पहले हम अपना सुरक्षा कवच मंत्रों के द्वारा बनाते हैं। शास्त्रों में इंसान का भी सुरक्षा कवच बनाया जाता है। जो इंसान अपना सुरक्षा कवच बनाता है उसके जीवन में ये नकारात्मक शक्तियाँ उस पर अटैक नहीं करती। उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं, चाहे वह कैसी भी हो सकती हैं, चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र नज़र हो, तो उसके लिए एक श्रीफल लिया जाता है। उस श्रीफल में सबसे पहले 3 बार नमुकाम मंत्र को उच्चारित करके वहाँ की शक्तियों से आह्वान किया जाता है, और इससे पहले अपना खुद का और पूरी जगह का एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, श्रीफल लेके और उसके ऊपर हल्दी से एक स्वास्तिक बना के उसमें वहाँ पर जैसी भी नकारात्मक शक्तियों उनसे निवेदन किया जाता है कि इस भूमि में निवासरत समस्त रक्षक देवी देवता क्षेत्रपाल द्वारपाल एवं ज्ञात रूप से वास कर रहे अज्ञात रूप से वास कर रहे समस्त देवी देवताओं से विनय पूर्वक समस्त परिवार की तरफ से निवेदन करता हूँ कि मैं आपकी इस भूमि को निवास योग्य व व्यवसाय योग्य काफ़ी लंबे समय पहले ही बना चुका हूँ। चूँकि अज्ञान के कारणवश आपसे किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की, उसके लिए मुझे क्षमा करें एवं सहयोग करें।
चूंकि यह भूमि आपकी है, लंबे समय से आप इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, अतः आपका राग होना स्वाभाविक है। फिर भी आप अपनी स्वेच्छा से अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं तो श्रीपल में स्थापित हो जाएं। मैं आपका यथा योग्य, यथा विधि, यथा द्रव सम्मान करता हूं। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कष्ट, क्षति, ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मुझे मन, वचन, काय से उत्तम क्षमा प्रदान करें। मेरी और मेरे परिवार की यही इच्छा है कि आप इस भूमि पर निवास करें। यदि आप इस भूमि पर निवास करके पीड़ित हो चुके हों या अपना स्थान बदलना चाहते हों तो इस श्रीपल में स्थापित हो जाएं। मैं 24 घंटे के उपरांत किसी पवित्र कुएं, नदी या तालाब में बिना पूर्वक प्रवाहित करके आ जाऊंगा। इस प्रकार उनसे सबसे पहले निवेदन किया जाता है समस्त शक्तियों से। उसमें जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो अपना स्थान बदलना चाहती है, तो वो इस श्रीपल में आ जाती है और वह श्रीपल को 24 घंटे के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यह सब विधि पूर्ण विधि विधान से ही करना चाहिए, नहीं तो वो नकारात्मक शक्तियां अटैक कर सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले खुद का सुरक्षा कवच, उस जगह का सुरक्षा कवच, और उसके लिए समस्त शक्तियों से विनम पूर्वक शुभ मुहूर्त में निवेदन किया जाता है। तो जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो श्रीपल में आके उनको विसर्जित कर दिया जाता है, तो वह सकारात्मक शक्तियां वहां पर प्रवेश करना चालू कर देती हैं। प्रयास जी, एक सवाल ये भी है मेरा कि सभी लोग कहते हैं, सभी लोग पहले, आजकल वास्तु का इतना प्रचार प्रसार आपके माध्यम से और आपके जैसे दोस्तों के माध्यम से हो चुका है कि सभी लोग जब अपना नया मकान खरीदते हैं या मकान बनवाते हैं तो कहते हैं कि यार ये मकान वास्तु के अनुरूप डिज़ाइन करिए। बिल्डर्स भी इतने समझदार हो गए हैं और जो मकान बनाने वाले ठेकेदार हैं वो भी इतने समझदार हो गए हैं कि वो भी कहते हैं साहब यहाँ टंकी मत बनवाइए, यहाँ लेटरिन मत बनवाइए, यहाँ मंदिर मत बनवाइए, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर लोगों के मकान वास्तु अनुसार होते हैं, फिर भी लोगों को परेशानी होती है, लोग आत्महत्या करते हैं, लोग बीमार रहते हैं, लोग दुखी रहते हैं, लोगों के यहाँ नौकरी चली जाती है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है। तो जब वास्तु अनुसार मकान बना है तो फिर ये परेशानियाँ क्यों हैं? आपने यह जो सवाल किया है, बस आज के समय में मैं जितने भी वास्तु करने जाता हूँ तो सब लोग यही बोलते हैं कि हमारा घर तो वास्तु के अनुसार बना है, फिर भी हमें परेशानी आ रही है। मित्रों, आज भारत जैसे देश में जो फेंगशुई वास्तु आ चुकी है और जो आर्किटेक्ट्स या जो लोग वास्तु के नाम पर अपना भ्रामक प्रचार करके कि हम आपका घर वास्तु के अनुसार बनाएंगे और वह देखते हैं कि ईशान कोण में मंदिर, अग्नि कोण में किचन, नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम, भायब कोण में लेट बाथ, हो गई वास्तु। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वास्तु इतनी छोटी सी चीज़ है तो फिर तो वास्तु सब कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। वास्तु में सबसे पहले उस जगह का चयन किया जाता है कि वह जगह कैसी है, जगह सकारात्मक है या नकारात्मक है। उसके बाद जगह के बाद उसमें यह देखा जाता है कि आपका घर कितना डिग्री टिल्ट है, अर्थात जैसे आपका घर 20x50 स्क्वायर फुट का है या 50x100 स्क्वायर फुट का है तो हो सकता है कि दूसरे का घर 50x100 स्क्वायर फुट में भी उसकी वास्तु अलग हो। जब एक ही घर में नक्शे अलग अलग बनते हैं तो दूसरे घर में वास्तु एक जैसी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसी प्रकार सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान करना अति आवश्यक है। शास्त्रों में यह आया है कि अपनी पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, 90-90 डिग्री की चार दिशाएं होती हैं। अगर आपका घर जिसको आप ईस्ट मान रहे हैं, अगर वह ईस्ट 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री टिल्ट होगा तो वह सारी दिशाएं घूम जाएंगी। सपोज आपका घर ईस्ट टिल्ट है, नॉर्थ की तरफ 20 डिग्री, तो ईस्ट को पहले नॉर्थ की तरफ टिल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए जो दुनिया के लिए ईस्ट है, लेकिन अपने घर के लिए ईस्ट कहाँ से है वो मैग्नेटिक कंपास से देखा जाता है। सूरज तो उत्तरायण भी होते हैं, दक्षिणायन भी होते हैं, इसके लिए कंपास का सहारा लिया जाता है। क्लाइनो कंपास का ही उपयोग किया जाता है। मोबाइल के कंपास होते हैं, जो छोटे मोटे कंपास होते हैं, उनसे सही डिग्री नहीं निकलाई आती। डिग्री निकालने से पहले वहाँ पर किसी प्रकार का लोहा तो नहीं है, किसी प्रकार की मैग्नेट तो नहीं है, नहीं तो उस चीज़ में डिग्री में ही एरर आ जाता है। और 11.25 डिग्री का एक जोन होता है, अगर 10 डिग्री आपने गलत निकाल दी तो आपकी पूरे जो कंक्लूजन्स हैं, पूरे रिजल्ट्स हैं, पूरी वास्तु आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसमें आप सबसे ये देखें कि दिशाएं कहां पर हैं। उसके बाद इंटीरियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सपोज आपने घर पूरा वास्तु के अनुसार भी बना लिया, लेकिन आपने ईशान कोण में गलत कलर कर लिए, गलत वॉलपेपर लगा लिया, ट्रायंगल शेप की फ्रेम लगा ली, इसी प्रकार साउथ वेस्ट में कोई गलती कर ली, तो फिर आपके जीवन में उस प्रकार की नानावादी परेशानियां आती हैं। और हम उसको कहते हैं कि हमारा घर वास्तु के अनुसार बनाए, जब हम जाते हैं तब उनको वो चीज़ समय में आती है, फिर उसके बाद उनको जो हम परिवर्तन करवाते हैं तो उनको बस सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। बहुत धन्यवाद
मंगल जी, आपको तमाम जानकारी देने के लिए, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय हमको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। आपने बहुत विस्तार से ये बताया कि दक्षिण मुखी मकान भी अच्छे हो सकते हैं, और कई बार हम जिसको वास्तु मानते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट वास्तु नहीं होता, इसलिए हम बहुत सारी परेशानियों की व्याधियों में फंस जाते हैं। हम आपको लगातार अपने दर्शकों को इसी तरह की वास्तु टिप्स देते रहेंगे, वास्तु टिप्स बताते रहेंगे मंगल जी के माध्यम से, और उन टिप्स का फ़ायदा उठाकर आप खुद भी अपने घर को, अपने निवास को बेहतर बना सकते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।